रोड़े की माड़ी वाली। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, मैंने सुना है एक अच्छी जगह है, मुझे बता रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं कहीं बाहर आ रखी हूँ, मैं आ रखी हूँ कि माड़ी एक बार और अपने फ्रेंड्स के साथ। आज मौसम अच्छा हो रखा था तो हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, और कि माड़ी से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा हमने एक लोकेशन स्पॉट करी हुई है, वहाँ हम बैठे आकर अभी हम मैगी खाएंगे, अपना थोड़ा कुछ हमने ऑर्डर करा है वो खाएंगे। उसके बाद एक मंदिर है यहाँ पे पास में जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पे है, हम वहाँ चलेंगे। तो या वी आर एंजॉइंग आवरसेल्व्स, और मेरे साथ है मेरा दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं पर कैमरा के आगे सिर्फ एक ही बंदा अमन चल रहा है, वो है अच्छा। ये जो लोकेशन है ना, ये हमें हैप्पी नहीं बताई है, ये इसका काफ़ी आना जाना चलता रहता है यहाँ पर। तो हैप्पी थैंक यू सो मच। नीचे से ऊपर आ गए हैं अपना सारा खाने पीने का सामान लेके, चाय, पान, मक्खन और मैगी। तो अभी हम पहले खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है, सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं मिली थी मैं, तो अभी पहले खाते हैं फिर करते हैं इन्जॉय। मैं मैगी खाती हूँ, आप लोग ये व्यू इन्जॉय करो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leave. ये इतनी सुंदर लोकेशन के साथ मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ जो कि हम लोगों ने ही कर रखी है, इतने कचरा फैला रखा है, जो बहुत ही गलत बात है यार। इतनी अच्छी अच्छी जगह है, इतनी प्यारी जगह है, वहाँ पे आके आप लोग कचरा फैला देते हो, मतलब जो भी फैलाता है। तो ये दिस इज़ रियली रॉन्ग, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अच्छी खासी अपनी नेचुरल ब्यूटी को बेकार कर रहे हैं, जो हमारे नेचर है उसको बेकार कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम वहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम मंदिर जा रहे हैं जो मैंने सुना है बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। तो चलो लेट्स गो। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर, और यहाँ से ऊपर के लिए हमारा ट्रैक है अराउंड 0.5 किलोमीटर्स। तो हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। वो लोग आ रहे हैं वैसे ऊपर से, अगर आपको छुटकू छुटकू से लोग दिख रहे होंगे वाइट वाइट से कपड़ों में, या जा रहे हैं। हैप्पी हमारा दोस्त आगे चलता हुआ, हैप्पी ओ शिट गजब हैंडसम उत्तराखंड का रणवीर कपूर। ये जगह भी हमें हैप्पी नहीं बताई है, मैं तो पहली बार आ रही हूँ यहाँ। टूरिस्ट गाइड का रोल कर रहा हूँ पूरा मैं इधर। हैप्पी अपना बिजनेस ओपन करने वाला है, सबको घुमाऊंगा मैं एक एक करके और स्पेशल डिस्काउंट फॉर गर्ल्स विद क्रॉप टॉप मैंडेटरी। यहाँ पे बेंचेस भी हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि थक जाते हैं जो पहाड़ के स्लोप्स होते हैं ना उसमें चढ़ के, हाँ थक जाते हैं। हाँ, वैष्णो देवी वाली फीलिंग आएगी, सच में वैसा ही है रास्ता। और ये देखो माउंटेन्स पूरे क्लाउड से कवर हो गए, ऊपर बादलों ने घेर लिया है पहाड़ों को। अब इस वोड के बाद आने वाला है हैप्पी क्या पार्किंग मंदिर कहाँ है फिर, तू तो बोल रहा मंदिर आ गया, झूठा झूठा ये लड़का हमारा झूठा। ऊपर कैसे जाएगी यहाँ से गाड़ी, अच्छा ओके। सो किसी को अगर एडवेंचर पसंद हो तो खतरों के खिलाड़ी बनके यहाँ से हम पैदल ही चले जाए बहुत बड़ी बात है। वाव, ये बुग्याल टाइप का है, ऐसे ग्राउंड्स को ना बुग्याल कहते हैं। हैप्पी वाव, हैप्पी यहाँ से देहरादून भी दिखता है, न्यूयॉर्क सिटी। तो ये यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी दिखती है,
और आप लोग आइएगा, देखेगा, और अगर नहीं दिखेगा तो हैप्पी को जूते मारिएगा। ओ हाँ, हम वहाँ बैठे थे अभी, ये यहाँ पे हम बैठे थे अभी। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अभी हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, यहाँ का व्यू एंजॉय कर लिया है, अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। दर्शन हमारे हो गए हैं मंदिर के, छोटा सा मंदिर का, नाग देवता जी का, और अभी चलते हैं थोड़ा सा जब जब खाते हैं थोड़ा और एंजॉय करते हैं, फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। बस धन्य हो गई मैं आज, पहले से कह रहा था चलो कभी मेरे साथ कोई आए। धन्य धन्य हो गए हम, एक गंगा का नहाना और एक तेरे साथ घूमना बराबर है। अब हमें बताएगा गढ़वाली में बोल के कि ये जो बादल चल रहे हैं, जो फॉग है, उसको क्या बोलते हैं गढ़वाली? तो ये भाग रहे हैं ऊपर, फॉग होता है ना जो, ये कोहरा बोलते हैं गढ़वाली में, बोलते हैं कुएड़ू। कुएड़ू लगी डांडो में, एच पार डांडो में कुएड़ू लगी। और ये गोरू चल रहे हैं यहाँ पे, गोरू चल रहे हैं। ये कौन सी गढ़वाली है? अरे मतलब घास खा रहे हो गढ़वाली में बोलना, घास खाना गुरु भाई, मस्त हरी हरी घास में हरी घास खाना, फिर जूठी घास जो बचेगी ये फिर हम खाएंगे। बाय बाय टू दिस लवली प्लेस। ये ना गांव में ना ऐसे ही खेत होते हैं गढ़वाल में, ये ऐसे स्टेयर्स टाइप के, इनको क्या बोलते हैं हैप्पी जो ऐसे खेतों को गढ़वाली में बोलते हैं पुंगड़ा। पुंगड़ा तो ये ऐसे स्टेयर्स की तरह बने होते हैं, कत्तर हमारे दो तीन कत्तर हैं। अच्छा, तो ये लोगों के खेत इन्होंने यहाँ पे उगा रखा होगा कुछ। वो प्राचीन नाग देवता मंदिर, और ये रिखौली गांव में है, जो कि केमाड़ी की मेन रोड जो जा रही है ना मसूरी की तरफ, वहां पे पड़ेगा। तो में ना हमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखी, बट यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। और लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है कहीं फॉरेन में आ गए होंगे। यार वैसे ये तो है हमारा उत्तराखंड, कोई किसी फॉरेन से कम नहीं है, बहुत सुंदर है ये देखो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज हम लोगों ने एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस को डिस्कवर किया, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मोस्टली हम अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है जहाँ पे लोग ज़्यादा ना जाते हो वहीं पे जाएं फिलहाल। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।